कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुकदाचन। तो यहां पे कई बार लोगों को यह लग रहा होता है कि नहीं, आदमी कर्म करता किसके लिए है, फल के लिए, ये क्या कहने का मतलब है? बट दिस इज अगेन एब्सोल्युटली साइंटिफिक, बिकॉज व्हाइल यू आर डूइंग एनी कर्म एंड यू आर एट द सेम टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ दैट कर्म, इट इज ऑब्वियस दैट योर माइंड इज कंप्लीटली नॉट अवेलेबल फॉर डूइंग दैट कर्म, बिकॉज एक हिस्सा आपके दिमाग का परिणाम के बारे में चिंतन कर रहा है, यानी उस काम को करने के लिए आपका दिमाग पूरी तरह से वहां पे उपलब्ध ही नहीं है। और जब आप ही पूरे नहीं हैं, तो आपका काम पूरा कैसे होगा, और काम अगर पूरा नहीं होगा तो फिर रिजल्ट पूरा कैसे आएगा? इसीलिए हम में से ज्यादातर लोगों की रियलिटी यही है कि जो हमने लक्ष्य बनाए हैं, जो सपने देखे, कहते अरे बस मिलते मिलते रह गया, दरवाजे पे पहुंचे और दरवाजा बंद मिला, अरे बस कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया, अरे बस इतने नंबर से रह गया। यही हाल होता है कि अगर कर्म के इस दौरान आप पूरी तरह से कर्म के लिए हैं, तब तो आप देखिए क्या क्या वंडर्स होते हैं। तो ये कोई नैतिकता की बात नहीं है, और इसीलिए गीता इज जिसको कहा जाता है ना कि भाई इट्स नॉट मोर ऑफ अ धार्मिक ग्रंथ, इट इज मोर ऑफ अ लाइफ मैनुअल, हाउ टू लिव दिस लाइफ, एज सिंपल एज दैट। अटैचमेंट फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ वन्स लेबर, उससे डिटैच्ड है, अच्छा हो बुरा हो, जो होगा होगा, मैंने तो अपना पूरा 100% दिया, कम से कम इस बात का तो संतोष रहेगा ना।